हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिसका लगातार डर था, जिसके बारे में आपको लगातार अलर्ट कर रहा था कि ये सिचुएशन बन सकता है और रेलवे इसी से बचना चाह रहा है, इसलिए बार बार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी बीच का रास्ता क्या निकालेगा जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि दोनों पार्टी सहमति बना ले आपस में, यानी कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे या फिर जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, दोनों लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो रेलवे ने तो अपने से भरसक प्रयास किया था, बट शायद ये रास्ता भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पसंद नहीं आया। जी हाँ फ्रेंड्स, शायद ये रास्ता भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पसंद नहीं आया। और मैं बोल ही रहा था कि ये जो नया तरीका बता रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं। रूल तो वही है, लेवल वाइज का ही है। पहले 20-20 गुना सब में टोटल में बुलाएं, तो ओवरऑल करने पर 11 गुना हो गया। अब वो क्या करेंगे, 20 गुना की जगह सभी में 30 गुना, 25 गुना, 28 गुना ऐसे लेंगे, तो ओवरऑल 20 गुना बना देंगे। मतलब कहने का मतलब तो वही है, क्वालिफाइड कैंडिडेट का तो धोखा हो ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि केवल भीड़ बढ़ रहा है, बाकी कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। अब जब भीड़ बढ़ेगा तो फ्रेंड्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नुकसान होना तय है, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी क्या था, 11 लोगों से कंपटीशन करना था, अब 20 लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा यूनिकली। ठीक है, तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगा, और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स लगातार धमकी दे ही रहे थे कि अगर प्रोटेस्ट की वजह से रिजल्ट रिवाइज हो जाता है तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी कोर्ट केस करेंगे, जहां तक हो सकता है हम भी प्रयास करेंगे, रिजल्ट को रिवाइज होने नहीं देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज ये पता चला है कि इन लोग का एक ग्रुप चल रहा है, ठीक है, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जो काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयासरत थे। आपको मालूम होगा, मैं पहले बताया था कि ये लोग एडवोकेट वगैरह की व्यवस्था कर चुके हैं, सब कुछ अरेंज कर चुके हैं, बस पैसा कलेक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो पैसे का भी कलेक्शन इन्होंने कम्प्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, और ये लोग अब केस फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है 21 या 22 तारीख को ये लोग केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 20 तक तो हर जगह हॉलीडे लगभग है। ठीक है, तो 21 या 20 तक जो है केस फाइल कर सकते हैं, और अगर ये केस फाइल हो गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिवाइज रिजल्ट पर, रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर क्या हो सकता है केस फाइल होने पर, या फिर केस फाइल होने के बाद भी रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, और CBT 2 और ग्रुप डी एग्जाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बार बार अलर्ट कर ही रहा था, क्योंकि सिचुएशन जो ऐसा बन रहा है और रेलवे इसी से बार बार बचना चाह रहा है कि ऐसा कुछ ना हो, और यही कारण है कि रेलवे कहीं भी एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं दिया। मैं आपको पहले बताया था फ्रेंड्स कि रेलवे पहले सिचुएशन को रिव्यू करेगा, उसके बाद ही कुछ करेगा, और यही कारण मैं आपको लगातार कह रहा था कि आपका NTPC CBT 2 जून से पहले नहीं होगा और ग्रुप जुलाई से पहले नहीं होगा। मैं एक बात और मेंशन किया था कि NTPC CBT 2 अगर बहुत जल्द कराने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है मई में हल्का सा स्टार्ट करा दे, तो हुआ वही चीज है फ्रेंड्स, मई में एक लेवल का दिखा दिए हैं कि लेवल 6 हम करा देंगे, बाकी सारे एग्जाम्स तो जून में ही कराने वाले हैं, या फिर जुलाई तक भी जा सकता है। और ग्रुप डी के बारे में वही चीज है, साफ साफ लिखा है जुलाई से वो प्रयास करेंगे, तो जुलाई से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर अगस्त से भी स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में आपको लगातार बता रहा था। यानी जो चीज मैं पहले सबको अंदाजा लगा था, जो बता रहा था कि रेलवे सिचुएशन देखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल वही कंडीशन अब आ गया है। रेलवे यही मतलब वजह लिया था, यही कारण था कि NTPC का डेट जून में रखा और ग्रुप डी का जुलाई में रखा। और इसके साथ साथ आप जानते हैं जो नया प्रोसेस चेंज हुआ है, वैकेंसी प्रोसेस पूरा, क्योंकि ये लोग RRB वाइज एग्जाम कराने वाले हैं और लेवल वाइज एग्जाम कराते हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो यही कारण है ये पूरा नया डेटा कलेक्ट करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, 2-3 ऐसे रीजन जिसकी वजह से एग्जाम में इतनी देरी हो रही है, और मैं पहले आपको बता दिया था एग्जाम आपके चाहने से मार्च अप्रैल में स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रेलवे मतलब प्रयास तो किया था बीच का रास्ता निकालने का, बट मुझे लगता है इसका भी कोई फायदा रेलवे को नहीं दिखा है। अब केस फाइल होने के बाद क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सपोज दैट अगर 21 या 22 को केस फाइल हो जाता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, केस फाइल होते ही तुरंत हियरिंग नहीं होती है, हियरिंग के लिए डेट मिलता है। ठीक है, और ये लोग मैं बता दूं कहां केस करने वाले, दिल्ली हाई कोर्ट में। जी हां फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट में केस करने वाले हैं। 21 या 22 तक अगर केस फाइल होता है तो इसका मैं बता दूं अभी रिवाइज रिजल्ट पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मतलब कि फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में कोई खास डिसीजन नहीं आता है, कोई स्टे नहीं आता है, तो क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट केस काफ़ी लंबा चलता है, केस तो हो जाता है, ठीक है, उस पर डिसीजन नहीं आ पाता है। लेकिन अगर इन लोग के एडवोकेट अच्छे रहें और अपनी पूरी बात सही तरीके से रख देंगे कि रेलवे रिवाइज रिजल्ट April 1st में देने जा रहा है, हमें उससे पहले फैसला चाहिए, तो कोर्ट वहाँ फास्ट काम भी करता है, क्योंकि जानता है इस केस का मतलब केवल 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए है, तो इस पर फैसला देना ज़रूरी हो जाता है। तो हो सकता है कि अगर इन लोग का मतलब जो मतलब बात है वो मजबूती के साथ रखा जाता है, तो हो सकता है स्टे भी लग सकता है। यानी कि स्टे का क्या मतलब है कि रिवाइज डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे आने से पहले ही, और बोल देंगे जो पुराना रिजल्ट है वही वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम होगा पुराने रिजल्ट जो रेलवे कैंसिल नहीं किया है, केवल उस पर स्टे लगाया है। मैं आपको बताया था कि दोनों ऑप्शन रेलवे के पास बचा हुआ है कि अगर कोर्ट केस वगैरह होता है तो उसे फिर से वैलिड किया सकता है, क्योंकि उसे इनवैलिड नहीं घोषित किया गया है, बस स्टे लगाया गया है, रोक लगाया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट पर फ्रेंड्स। अगर
मान लीजिए कोर्ट से ये लोग केस जीत जाते हैं, केस फाइल हो जाता है टाइम से, तो फिर समझिए रिजल्ट भी शायद ना आ पाए रिवाइज वाला, और उसका इफेक्ट क्या होगा CBT2 ग्रुप डी पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं CBT2 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अपने टाइम पर हो जाएगा। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। जब CBT2 अपने टाइम पर हो जाएगा तो ग्रुप डी भी अपने टाइम पर हो जाएगा, यानी कि CBT2 और ग्रुप डी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर ऐसा कुछ डिसीजन आता है कि अभी आप रिवाइज रिजल्ट कुछ रुक जाइए, हम डिसीजन जब देंगे उसके बाद कुछ करिए, मतलब कि रिवाइज रिजल्ट स्टे लगा दे आने से पहले ही कि अभी आप नहीं दे सकते हैं जब तक कोर्ट्स का डिसीजन नहीं आ जाता है, तो इससे फिर इफेक्ट पड़ सकता है दोनों एग्जाम्स पर। क्योंकि जब रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा और क्लियर डिसीजन नहीं रहेगा कि रिवाइज रिजल्ट देना है कि नहीं देना है, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। अब जब रिवाइज रिजल्ट में टाइम लगेगा तो फिर CBT2 के लिए लोग प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, एग्जाम नहीं करा पाएंगे CBT2 टाइम से। और जब CBT2 टाइम से नहीं होगा तो हो सकता है किसी रीजन से ग्रुप डी भी रोक दे। वैसे तो वहाँ एजेंसी अलग करा सकते हैं, बट आप जानते हैं डिपार्टमेंट तो एक ही, RRB, रेलवे सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप डी में भी हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। मतलब कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत रेयर केस में कि आपका CBT2 रुक जाए या फिर ग्रुप डी भी रुक जाए, अदरवाइज आपका रिजल्ट रिवाइज हो चाहे ना हो, लेकिन CBT2 ग्रुप डी अपने टाइम पर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अभी तक कोई केस नहीं हुआ है। आगे देखिए फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं है। अगर केस हो जाता है तो फिर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, अगर केस नहीं होता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अपना CBT2 का आप प्रिपरेशन करते रहिए, ग्रुप डी का भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है केस के नाम पर अफवाह फैला दिया जाता है और कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, ऐसा भी होता है, और कोई केस वगैरह नहीं हो पाता है। आप लोग को मालूम होगा मैं सोर्स अलर्ट करता हूँ कि जब कोई केस के लिए पैसा मांगता है तो पैसा ऐसे मत दिया करो बिना किसी जानकारी के, पहले कन्फर्म कर लो कि केस में आपका नाम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, केस फाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी जब मॉडिफिकेशन लिंक की बात आई थी तो वहाँ भी काफ़ी पैसे लूटे गए थे कैंडिडेट्स, आपको मालूम होगा किसी से 400, किसी से 500, किसी से 1000, बहुत ज़्यादा पैसा लिए गए थे और केस एक सस्ते वकील को दिया गया था, इस केस से लोग हार भी गए थे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी लोग केस में मतलब यहाँ अपीयर होने जा रहे हैं, मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहना पैसे देने से पहले, क्योंकि आप पैसे दोगे किसी को तो हो सकता है पैसा गायब हो जाए, क्योंकि आप किसी को पर्सनली नहीं जानते हो, बस ऑनलाइन आप लोग एक दूसरे जुड़ जाते हो सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं से भी आप जुड़ जाते हो, लेकिन एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हो, उसका एड्रेस नहीं जानते हो, उसका डिटेल नहीं जानते हो, तो अगर पैसा ले लेगा तो उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना कंप्लेन करने पैसा लगेंगे मतलब उससे अधिक लग जाएंगे जितना पैसा दिए रहेंगे, तो आप लोग शांत हो जाओगे और वही 400-500 उसके लिए 20,000-25,000 बन जाएगा अकेले। तो यहां पे धोखा बहुत ज्यादा होता है केस के नाम पर, तो आप लोग पैसा भी दो तो अलर्ट होकर के दो, ठीक है। और मैं बता दूं कि मतलब ये बहुत खराब सिचुएशन होता है जब कोई पैसा मांगता है किसी को, कोई देता है विश्वास पर, फिर धोखा हो जाता है, तो आप लोग को अलर्ट रहना है। और जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखते हैं इनका पैसा इकट्ठा हो गया है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, केस फाइल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तो 2-3 दिन मतलब 4 दिन में पता चल जाए, क्योंकि आज 17 है, मान के चलिए 18-19-20 तो मतलब छुट्टी लगभग रहेगा, ठीक है। 21-22 तक देखते हैं क्या होता है, जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी क्या है आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है। अगर फाइल होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं फाइल होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और अभी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।